हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो वी आर बैक अगेन विद द हिंदू 10 वर्ड्स फॉर 5th अगस्त 2020। सो दीज आर द वर्ड्स विच हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। सो वील स्टार्ट राइट अवे। फर्स्ट वर्ड दैट वी विल बी डिस्कसिंग टूडे इज रिपल। रिपल मतलब होता है लहर या लहराना। ओके, तो किसी भी स्मॉल वेव और सीरीज ऑफ वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, दैट इज रिपल। ये एक तो लिटरल मीनिंग होता है इसका। दूसरा इसका मीनिंग होता है कि कोई भी मैटर अगर शांत है, उसमें आप कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसमें एक वो मूवमेंट आता है या फिर से वो रीइनिशिएट हो जाता है, तो उस सेंस में भी रिपल वर्ड का यूज करते हैं। सिमिलर वर्ड अगर इस इंग्लिश में बोले तो इसका सिमिलर वर्ड है वेव और वेवलेट। ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं रिपल के। रिपल नाउन एंड वर्ब बोथ सेंस में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है, हिंदी अगर इसका मतलब बोलें तो पैराडाइम का मतलब होता है उदाहरण या मिसाल देना। ओके, मिसाल। So, किसी भी टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग, तो किसी भी चीज़ का अगर कोई एक टिपिकल एग्जाम्पल या कोई पैटर्न है, कोई मॉडल है, तो उस सेंस में पैराडाइम वर्ड का यूज करते हैं। इसका सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें तो सिमिलर वर्ड इसका होता है मॉडल, पैटर्न और एग्जाम्पल। ये सिमिलर वर्ड होता है इसका इंग्लिश में, ठीक है। उदाहरण या मिसाल ये हिंदी वर्ड होता है पैराडाइम का। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज इमेंस। अब इमेंस जो है ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी मतलब अगर बोलें तो इमेंस का मतलब है, इमेंस का मतलब होता है विशाल या अत्यधिक। ओके, सो एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, स्पेशली इन स्केल और डिग्री। सो किसी भी मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा, बहुत किसी बड़ी क्वांटिटी या किसी बड़े स्केल या किसी बड़े डिग्री पे अगर कोई चीज़ हो रही है, सो उस सेंस में इमेंस वर्ड का यूज करते हैं। विशाल या अत्यधिक इसका हिंदी मतलब होता है। इंग्लिश वर्ड अगर इसका बोलें सिमिलर वर्ड, तो एक होता है ह्यूज, दूसरा है मैसिव, एंड थर्ड वन इज इनॉर्मस। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें इमेंस का, सो एक तो टाइनी है, टाइनी एंड स्मॉल, दीज आर द टू अपोजिट वर्ड फॉर इमेंस इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, दैट इज मोरास, MORASS। तो मोरास का हिंदी जो मतलब है ये होता है दलदल या कीचड़। ओके, दलदल या कीचड़ ये इसका हिंदी मतलब होता है। सो इंग्लिश इसका मतलब है, मतलब एक तो लिटरल मीनिंग ये होता है कि किसी भी एरिया में अगर कोई पर्टिकुलर एरिया काफ़ी मडी या काफ़ी कीचड़ वाला है, सो उस एरिया को मोरास बोलते हैं। दिस इज़ द लिटरल वर्ड। सेकेंड मतलब इसका ये भी होता है कि किसी भी गिवेन सिचुएशन में जो कंफ्यूजिंग स्टेट या जो कॉम्प्लिकेटिंग जो सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन जो दलदल या कीचड़ जैसा बिहेव करती है, जिसको ईजिली सॉल्व नहीं किया जा सकता है, उस सेंस में भी मोरास वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलर वर्ड अगर इसका बोलें आप, सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोलें, सो कन्फ्यूजन, केओस एंड मडल, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर मोरास इन इंग्लिश, ठीक है। अपोजिट वर्ड अगर बोलें, सो अनमूविंग और पेनलेस, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं मोरास के इंग्लिश में।
ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पेरेनियल। अब पेरेनियल का जो हिंदी मतलब होता है ये होता है चिरस्थाई, ठीक है, जो परमानेंट रहने वाला हो, ठीक है। सो एनीथिंग विच इज लॉन्गिंग फॉर इनफाइनाइट टाइम और मोर टाइम, और उसका जो एग्जिस्टेंस का जो पीरियड है दैट इज मोर देन द नॉर्मल, ओके। सो उस सेंस में पेरिनियल वर्ड का यूज करते हैं। एक तो चिरस्थाई हो गया इसका मतलब, दूसरा प्लांट वाले जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जैसे हिंदी में अगर मतलब बोलें तो बारहमासी जो पौधे होते हैं उस सेंस में भी पेरिनियल, उनको पेरिनियल प्लांट बोलते हैं, जो रेगुलर कंटिन्यूसली रहते हैं, कंटिन्यूसली फल फूल देते रहते हैं। सो उस सेंस में भी पेरिनियल वर्ड का यूज करते हैं। और दूसरा जो मैंने बताया कि एक जो कोई भी ऐसा मैटर या ऐसी सिचुएशन जो चिरस्थाई है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली है, उस सेंस में भी पेरिनियल वर्ड का यूज होता है। सो इंग्लिश मतलब इसका अगर हम सिमिलर वर्ड बोलें, एवर लास्टिंग इज वन वर्ड, परपेचुअल, एवर लास्टिंग, परपेचुअल एंड इटर्नल, दीज आर द थ्री सिमिलर वर्ड फॉर पेरिनियल। अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो पीरियोडिक, पीरियोडिकल और ओकेजनल, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं पेरिनियल के इंग्लिश में, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पॉइनेंसी। पॉइनेंसी का मतलब होता है कि पॉइनेंसी मीन्स हिंदी अगर इसका मतलब बोलें तो हिंदी मतलब इसका होता है मार्मिकता या तीक्ष्णता, ये इसका हिंदी मतलब होता है। सो इंग्लिश इसका जो मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ इन्वोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट। सो कोई भी चीज़ अगर उसमें ये क्वालिटी है कि वो एक प्रॉपर सेंस ऑफ रिग्रेट और सेंस ऑफ सैडनेस का अगर भाव पैदा कर सकती है, सो उस सेंस में ये पॉइनेंसी वर्ड का यूज करते हैं हम, ठीक है। इंग्लिश सिमिलर वर्ड अगर इसका बोलें सो इंग्लिश सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका सॉरो, पैथोस एंड सैडनेस, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में पॉइनेंसी के, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिलिंक्वेंट। डिलिंक्वेंट का मतलब होता है स्पेशली एनी यंग पर्सन हु इज टेंडिंग टू डू अ क्राइम, ठीक है, पर्टिकुलरली माइनर क्राइम। सो अगर ऐसा कोई जो छोटा मोटा क्राइम करने के लिए टेंडिंग है उस सेंस में इस वर्ड का यूज करते हैं, या कर भी चुका है अगर तो उस सेंस में भी वर्ड का यूज करते हैं। हिंदी इसका जो मतलब होता है वो होता है अपराधी या दोषी, ओके, अपराधी या दोषी इसका हिंदी मतलब होता है। इंग्लिश अगर इसका सिमिलर वर्ड बोले सो एक तो होता है लॉलेस, दूसरा होता है ऑफेंडिंग एंड थर्ड वन इज क्रिमिनल, ठीक है। अपोजिट वर्ड अगर बोले डिलिंक्वेंट का तो एक तो हो जाएगा ड्यूटीफुल एंड सेकेंड वन इज वेल बिहेव्ड, ओके, ड्यूटीफुल एंड वेल बिहेव्ड, दीज आर द टू सिमिलर, टू अपोजिट वर्ड फॉर डिलिंक्वेंट इन इंग्लिश। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कमेंस। अब कमेंस का मतलब होता है
ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा इसमें। कमेंस का सिमिलर मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो कमेंस मतलब टू बिगिन और टू स्टार्ट और टू इनिशिएट, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर कमेंस इन इंग्लिश। ठीक है, किसी चीज़ को शुरू करना है, स्टार्ट करना है या प्रारंभ करना है, सो ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इसके इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोले सो अपोजिट वर्ड हो जाएगा कंक्लूड या फिनिश, ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं कमेंस के इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्रीलूड। प्रीलूड का हिंदी अगर मतलब बोलें सो प्रीलूड का हिंदी जो मतलब होता है वो होता है प्रस्तावना या भूमिका या प्रस्तावना। किसी भी कोई भी एक्शन जो एक उस सीरीज ऑफ एक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है आगे आने वाले इवेंट के सेंस में, उसको हम बोलते हैं प्रीलूड। ठीक है, या किसी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ का जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन होता है उसको भी बोलते हैं हम प्रीलूड। ओके, सो सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें सो एक तो है इंट्रोडक्शन, सेकेंड वन इज स्टार्ट एंड थर्ड इज प्रिलिमिनरी। ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। अपोजिट वर्ड अगर प्रीलूड का बोलें सो अपोजिट जो वर्ड हो जाता है वो तो हो जाता है एंडिंग, दूसरा एक तो हो जाता है फिनाले एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। सो एंडिंग, फिनाले, कंक्लूजन ये अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन, स्टार्ट, प्रिलिमिनरी ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं प्रीलूड के। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।